देखिए हमारी थर्ड यूनिट में है क्या क्या है, कंप्लीशन ऑफ मास्टर रोल, पेमेंट टू आईज, बिलेटेड एडवांस पेमेंट, एब्सेंटी पेमेंट, बड़ा छोटी सी यूनिट है। तो इसमें पेमेंट जैसे सबको मालूम है, पेमेंट एक्ट वेजेस एक्ट 1936 में यदि के हिसाब से यदि फैक्ट्री में 1,000 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो 10 तारीख या उसके पहले पेमेंट हो जानी चाहिए पिछले महीने की। लिख लीजिए 1,000 या 1,000 से अधिक एम्प्लॉय होने पे 10 तारीख तक या 10 तारीख के पहले पेमेंट हो जानी चाहिए। यदि लेस देन 1000 वर्कर हैं तो 7 तारीख के पहले पेमेंट हो जानी चाहिए। यही दो नियम है। इसके बाद मास्टर रोल जो है हर एक महीने, इसमें पूरा डिटेल नहीं दिया है मास्टर रोल का, हर एक महीने अकाउंट ऑफिस जाता है उसी मास्टर रोल के हिसाब से ये पेमेंट बनती। जब जैसे हमने पहले पढ़ा मास्टर रोल के डिटेल, कि मास्टर रोल में अलग अलग मतलब लेट का अलग तरीके से सिंबल लगाया जाता है, एब्सेंट का अलग, ओटी का अलग सिंबल उधर पे लगा करके ये सिंबल लगाने का काम एलवी सेक्शन का। एलवी सेक्शन उसका मास्टर रोल पूरा बना करके महीने के पेमेंट बनाने के लिए ये पूरा अकाउंट ऑफिस को मास्टर रोल भेज देता है। तो उस महीने का मास्टर रोल की का एक मंथली बनता है मास्टर रोल, हर एक महीने का एक सेक्शन का एक मास्टर रोल, वो शुरू हुआ 1 तारीख से और जो लास्ट डे ऑफ मंथ है उसको कंप्लीट करके उस महीने का मास्टर रोल भेज दिया जाता है। उसी के हिसाब से चाहे डे वर्कर हो चाहे पीस वर्कर हो, दोनों की पेमेंट बनती है और वो वहां पे क्लोज हो जाता है। अब आया है एब्सेंटी पेमेंट रजिस्टर। तो जैसा पहले चलता था जब मैनुअल पेमेंट होती थी, तो मैनुअल पेमेंट में क्या होता था कि 10 तारीख को पेमेंट हुई, 10 तारीख को यदि कोई नहीं आया तो उसके लिए एब्सेंटी डेट डिसाइड की जाती थी मैनेजमेंट के द्वारा कि 15 तारीख या 16 तारीख को पहली एब्सेंटी पेमेंट, फिर दूसरी एब्सेंटी पेमेंट डिसाइड की जाती थी कि उस एब्सेंटी पेमेंट में एक फॉर्म रहता है उसमें लिख दिया जाता कि ये आदमी एब्सेंट, इसका पेमेंट इतना बाकी है, उस पे जब आएगा अगली एब्सेंटी में तो वो उस पे साइन करके पेमेंट रिसीव कर सकता। आजकल तो ऐसा है कि सीधे सीधे 10 तारीख को आप फैक्ट्री में हो चाहे ना हो, आपके अकाउंट में सीधे सीधे ट्रांसफर हो जाता है पैसा। तो एब्सेंटी पेमेंट रजिस्टर का काम हो गया है खत्म। किसी फैक्ट्री में चल रहा हो तो बाद में बता देना जब माइक ऑन होगा, पर फिर भी ये आपको चूंकि अपने सिलेबस में है तो पढ़ना है। तो इसमें क्या लिखा है, रजिस्टर कॉल्ड एब्सेंटी पेमेंट रजिस्टर विल रिकॉर्ड पर्टिकुलर ऑल एब्सेंटी, मतलब कि जितने एब्सेंट है, दिस विल बी रेगुलरली ऑडिटेड एवरी मंथ बाय द अकाउंट एंड इंश्योर दैट एंट्रीज रिकॉर्डेड देयर इन आर एग्रीड एज पर डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट। डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट जैसे हम आगे पढ़ते हैं तो वो उसमें आएगा कि डिसबर्समेंट, पहले भी मैंने बताया कि अकाउंट ऑफिस एक पूरा का पूरा चेक, मान लीजिए कि 1,00,000 या 10,00,000 की पेमेंट आपके हाथ बनी तो वो जीएम के खाते उसमें खाते में डालने के लिए एक चेक या पैसा दे देता है, तो वो चेक देता है, चेक के अगेंस्ट में अकाउंट वो जो फैक्ट्री का कैश ऑफिस था पुराने जमाने में कैश ऑफिस था, वो बैंक से पैसा लेकर के आता था अपने पास में रखता था और उसको सेक्शन टू सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो जो एडवांस पैसा आ रहा है और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है
और उसके अगेंस्ट में कितना पैसा इशू किया वो डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट में आता है। तो जो पैसा बच गया 10 तारीख को पेमेंट नहीं हो पाया तो उसका पूरा हिसाब किताब एबसेंटी पेमेंट रजिस्टर में लिखा जाता है। एग्रीमेंट फॉर्म ऑफ लेबर, एग्रीमेंट फॉर्म ऑफ लेबर ये अकाउंट ऑफिस प्रिपेयर करता है 3 कॉपीज में। तो इसमें क्या डिटेल देता है, वो टोटल अमाउंट पास्ड फॉर पेमेंट 2 कॉपीज विल बी फॉरवर्डेड टू फैक्ट्री मैनेजमेंट, मतलब 2 कॉपी फैक्ट्री मैनेजमेंट को दी जाती है। इसमें 1 कॉपी ड्यूली कंप्लीटेड बाई गिविंग पर्टिकुलर अमाउंट एक्चुअली पेड अनपेड वेजेस रिकवरीज डिडक्टेड एटसेट्रा, वो सब एक मतलब कि आपका पुराना कैश ऑफिस लिख करके 1 कॉपी उनको वापस भेजता है। ऑल सपोर्टिंग शेड्यूल, मतलब इसमें आपको केवल ये याद करने वाली चीज है कि 3 कॉपी में बनता है AFL, एग्रीमेंट फॉर्म ऑफ लेबर कौन बनाता है, AO बनाता है। 2 कॉपी फैक्ट्री मैनेजमेंट के पास आती है जिसमें से 1 कॉपी वापस पूरा जो पेमेंट हुआ नहीं हुआ वो सारी चीजें लिख करके अगले महीने की 10 तारीख तक ये वो भेज दिया जाता है वापस 1 कॉपी। तो क्या है, ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ AFL इज 10th of the 2nd month। मान लीजिए कि इस महीने की 10 तारीख को AFL इशू किया अकाउंट ऑफिस ने कि 1 करोड़ रुपए पेमेंट करना, 1 करोड़ में 95 लाख आपके यहाँ पेमेंट हो गई, 5 लाख में से 5 लाख बचा, उसमें से 2 लाख फर्स्ट एबसेंटी में, फिर उसमें से 1 लाख फिर सेकंड एबसेंटी में कुछ पैसा बच गया तो उसको वापस मतलब कि अकाउंट में भेजा जाता है, जमा कर दिया जाता है। तो ये पूरा डिटेल उस AFL की 3rd कॉपी में लिख करके अकाउंट ऑफिस में अगले महीने की 10 तारीख के पहले भेज दिया जाता है जिससे वो पूरा हिसाब किताब लगा सके। डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट, फैक्ट्री प्रिपेयर से मंथली डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट फॉर आइज हु आर पेड आउट ऑफ एडवांस ऑब्टेंड फ्रॉम लोकल अकाउंट। लोकल अकाउंट ने जो आपको AFL दिया था उसके आधार पे पास, जितना अमाउंट पास हुआ था उसके आधार पे AFL दिया था, AFL के अगेंस्ट में आप कितना पेमेंट हुआ वो पूरा चीज यहाँ पे लिखी जा रही है डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट पे। टोटल अमाउंट पास फॉर पेमेंट इन मस्टर रोल, रिकवरीज मेड, नेट अमाउंट पेड एंड एक्चुअल अमाउंट डिसबर्स आर शोन इन द पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में जो आप पेमेंट की जा रही है वो डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा। किस साइड में, पेमेंट साइड में क्या क्या, नेट अमाउंट मस्टर रोल में कितना पास हुआ, कितनी रिकवरी उसमें है, नेट अमाउंट कितना पे हुआ, एक्चुअल उसके अगेंस्ट में कितना दिया गया, और एडवांस रिसीव फ्रॉम LAO आर शोन इन रिसिप्ट साइड। मतलब कि 1 करोड़ रुपए जो मिला था वो पहले रिसिप्ट साइड में लिखा और उसके अगेंस्ट में कितना कितना आपने बांट दिया, कितना आपका एबसेंटी में, तो वो सारी चीजें वो एक दूसरे साइड में लिख दी रिसिप्ट साइड में। तो ये दोनों चीजें मेंटेन होनी चाहिए, 1 करोड़ यहाँ तो 1 करोड़ यहाँ लिखा रहना चाहिए। टोटल बाइफरकेशन, अनडिसबर्स वेजेस आर रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ द डीसी, डीसी मतलब डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट, द डीसी शुड बी सेंड टू अकाउंट ऑफिस ऑन और बिफोर 10th of 2nd। जब AFL की 1 कॉपी भेजी जा रही उसी के साथ में डीसी की कॉपी भी भेज दी जाती है। अकाउंट ऑफिस इससे क्या वेरीफाई करता है डिटेल्स को कि जो उसने पेमेंट के लिए दिया था आपको पेमेंट उतनी ही पेमेंट हुई, उसके हिसाब से कितना रेंट वगैरह रिकवरी हुई, वो सारी चीजें उससे मेंटेन करके वो अपने रिकॉर्ड में रखता है।
ये हमारी बुक में उधर पे क्या है कि अभी वो बन रहा है बार बार, मतलब कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कुछ एक चीजें छूट रही हैं, अलग अलग किताबों में जितना जितना मिलता जा रहा उसको लिखता जा रहा, इसमें और चीजें लिख गई है। तो यहाँ पे ये एबसेंटी पेमेंट रजिस्टर खुले फॉर्म के रूप में, लूज लीव फॉर्म, इसमें एक ध्यान देने वाली चीज है, प्रत्येक मार्ग और प्रत्येक अनुभाग के लिए अलग अलग वो शीट बनती है और एक रजिस्टर जैसा रहता है, उसमें लगाई लगा दिया जाता है। हर एक सेक्शन का अलग एब्सेंटी पेमेंट रजिस्टर रहता है, उसमें मंथली वो चीजें लगाते हैं कि कितना एब्सेंट हुआ और उसके अगेंस्ट में कितना पेमेंट हुआ। इसमें सभी प्रकार के एब्सेंटी विवरण का रिकॉर्ड होता है। इस रजिस्टर को अकाउंट ऑफिस के द्वारा प्रत्येक महीने ऑडिट किया जाता है। इसका मिलान डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट से किया जाता है और सैलरी से सहमत होने के पश्चात ही इसे ऑडिट किया जाता है और सारी एंट्रीज उसमें मिला दी जाती। एक आया पेमेंट ऑफ एरियर वेजेस, तो आपको एरियर वेजेस मिलता है जो, तो टाइम वार आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बेज बिकम ओरिजिनली ड्यू फॉर पेमेंट, द अथॉरिटी कंपिटेंट टू सेंक्शन एरियर वेजेस आर गिवेन बिलो। आपका कोई एरियर है बना है तो उसको पास करने के लिए अलग अलग अथॉरिटी को अलग अलग समय के लिए ऑथराइज किया गया है। तो फुल पावर अप टू 3 ईयर्स, यदि आपका कोई एरियर्स बन रहा है तो उसका 3 साल तक यदि पेमेंट हो रहा है तो उसकी पावर किसको दी गई है, डीजीएम को दी गई है। और इसके लिए फाइनल फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस मतलब कि वेटिंग करवाना या ऑडिट करवाना अकाउंट से जरूरी है। इसके बाद में फुल पावर बियॉन्ड 3 ईयर्स टू 6 ईयर, मतलब 3 साल से ऊपर और 6 साल से पहले यदि पेमेंट की जा रही है, कोई एरियर्स का भुगतान किया जा रहा है तो उसके लिए पावर जनरल मैनेजर को है, और यदि 3 साल से ऊपर है एरियर्स का भुगतान तो ओएबी या हेडक्वार्टर से परमिशन ली जाती है। तो ये लिख लीजिए आप लोग, तो ये टाइम बार्ड कब हो गया, मतलब कि 12 महीने के ऊपर यदि बच गया, 1 महीने 2 महीने में यदि मतलब कि 12 महीने के पहले आपका कोई एडियर्स का भुगतान किया जा रहा है, मान लीजिए आपका डीए बना तो उसका एडियर्स बना, तो 12 महीने के पहले ये सारी चीजें भुगतान हो जानी चाहिए। यदि 12 महीने के ऊपर हो रही है चीजें तो इस लेवल पे अलग अलग अथॉरिटी को एथराइज किया गया है। इसको दूसरी जगह ये लिखा हुआ है, अप टू यहाँ पे लिख लीजिए 12 महीने से ऊपर और 3 महीने से के अंदर डीजीएम पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ वेजेस, इस तरीके से लिख लेंगे। एक होता है बिलेटेड पेमेंट। बिलेटेड पेमेंट क्या, पहले भी मैंने बताया कि जैसे पीस वर्क, अब मतलब कि पीस वर्कर को दिया जा रहा, अब किसी कारणों से उसका पेमेंट नहीं हो पाया तो और वो मतलब कि किसी जेन्युइन रीजन के कारण पेमेंट नहीं हो पाया, तो इसको पेमेंट तो करना है, तो उस वाले पेमेंट को बिलेटेड पेमेंट कहा जाता है। ये देखिए,
पिछले महीने में किए गए कार्यों से संबंधित बिलेटेड पेमेंट की अनुमति नहीं है। कार्यों के आधार पर वर्कमैन को कार्ड जारी किया जाता है और उन्हें वेजेस का भुगतान किया जाता है। यदि वेजेस के भुगतान के साथ वर्कमैन को ये ज्ञात हो कि उस ज्ञात हो कि पिछले महीने में किए गए कुछ कार्यों के लिए वर्कमैन को भुगतान नहीं किया गया है, तो इस तरीके के मामले को जीएम को से स्वीकृत कराना होगा और जांच के पश्चात बकाया राशि को उसके सप्लीमेंट्री पेरोल के माध्यम से दिया जाएगा। आप लोग नॉर्मली जानते हैं कि इस तरीके का होता है कि आपकी मतलब कि पेमेंट नहीं हो पाई, लीव नहीं लग पाई, तो लीव का पेमेंट आपके सप्लीमेंट्री पेरोल के हिसाब से किया जाता है। तो इस तरीके के जो पेमेंट है उसको बिलेटेड पेमेंट कहा जाता है। तो बिलेटेड पेमेंट और इसमें पेमेंट ऑफ एरियर वेजेस के पावर्स अलग अलग है। बिलेटेड पेमेंट का पावर है 3 साल तक जीएम को, मतलब कि आपकी रेगुलर जो पेमेंट है वो उसके मामले में ये बिलेटेड पेमेंट दी जा रही है। तो 3 साल से ऊपर अप टू 6 ईयर तक ओएफबी को, और 6 साल से ऊपर है तो मिनिस्ट्री से परमिशन ली जाती है। फाइनेंशियल कॉन्करेंस रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे भी फाइनेंशियल कॉन्करेंस रिक्वायर्ड है। कोई सा भी आपको मालूम है कि कोई सा भी पेमेंट होता है तो उससे अकाउंट ऑफिस से ही पास करवाया जाता है, वेटिंग करवाई जाती है। तो दोनों के केस में ये वेटिंग करवाई जाएगी। ये गेट पास वगैरह इसके बाद में 4th यूनिट आएगी हमारी, तो इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। एक एक यूनिट बड़ी छोटी छोटी यूनिट है अभी, तो उनको हम पढ़ रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट यूनिट को हम नेक्स्ट क्लास में हाँ बोलिए श्रीकांत जी की ज्यादा तैयारी है। और दीपक कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, पेमेंट और फिर से बता। और रमेश मेहता जी की भी डिस्कशन से सब चीजें आ जाती हैं लाइन पे। सर 2-3 क्वेश्चन है हमारे, बोलिए। सर ये अभी आपने बताया था कि 1000 वर्कर से अधिक होंगे तो 10 से पहले पेमेंट हो जानी चाहिए, और सर नेक्स्ट छूट गया था हमारा 500 से अधिक या 1000 से कम, वो सब 7 तारीख है उसके लिए, सब 7 तारीख के पहले पेमेंट हो जाना चाहिए। 1000 से कम है तो 7 तारीख के पहले पेमेंट हो जाएगी, 1000 के ऊपर है तो 10 तारीख के पहले पेमेंट, क्योंकि ये माना जाता है कि 10 मतलब 1000 के ऊपर है तो डॉक्यूमेंटेशन करने में, उसके पेमेंट बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए उधर 10 तारीख तक का टाइम दे दिया गया। और यहाँ पे कम है, 1000 से कम है तो उनको टाइम कम दिया गया कि 7 तारीख के अंदर आप पेमेंट कर दीजिए। सर ये पेमेंट ऑफ डेटेड पेमेंट के बारे में थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए, थोड़ा कुछ समझ नहीं आया क्या चीज। ठीक है, एरियर पेमेंट और ब्लेटेड पेमेंट। एरियर पेमेंट ऐसा हो गया कि मान लीजिए आपका डीए का एरियर, डीए अभी जो अपना जैसे जो पिछला अभी बकाया बचा चल रहा है, डीए बीच का आपने को नहीं मिला ना कोरोना पीरियड में, अब वो डीए यदि डिक्लेयर होता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट के द्वारा कई साल बाद यदि डिक्लेयर होता है चीजें और या पे कमीशन आया तो उसके पेमेंट वगैरह नहीं हो पाई तो वो एरियर्स बनता है। तो एरियर्स का पेमेंट की अथॉरिटी अलग अलग है, क्योंकि वो तो मिलना ही था आपको जी है, वो तो गवर्नमेंट ने बाद में डिक्लेयर किया तो वो एरियर्स के रूप में आपको बाद में मिलेगा।
तो उसके लिए अलग अलग पावर। और बिलेटेड पेमेंट ये हो गया कि आपको पेमेंट पिछले महीने जो आपको एक्चुअल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाई किसी कारणों से, तो वो कट के मिली, तो उस तरीके की पेमेंट को रेगुलराइज कर मतलब कि देने के लिए वो किया जाता है आपका बिलेटेड पेमेंट। डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट डीसी, डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट एएफएल मिला अकाउंट ने आपको दिया 1 करोड़ रुपए का, 3 कॉपी में बना करके दिया कि 1 करोड़ रुपए आपको इन इन सेक्शंस के इन एम्प्लॉई को देना है। अब 1 करोड़ में आपने कितना बांटा मास्टर रोल के हिसाब से, कितना बच गया, कितना उसमें से रेंट रिकवरी वगैरह है, तो वो 1 करोड़ एक साइड में लिखा गया, दूसरा पेमेंट साइड में लिखा गया कि इतना पेमेंट हुआ एब्सेंटी पेमेंट इतना हुआ, मतलब कि एब्सेंटी में इतना पेमेंट नहीं हुआ और बाकी पेमेंट हो गया, कितना रेंट रिकवरी, तो 1 करोड़ यहाँ का और 1 करोड़ यहाँ का टोटल दोनों टैली होना चाहिए। तो ये डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट, तो एएफएल की 3rd कॉपी और ये डिसबर्समेंट आपने उसका टोटल कितना डिसबर्स किया 1 करोड़ के अगेंस्ट, ये दोनों कॉपी आपको वापस अकाउंट ऑफिस भेजनी पड़ती, तो अकाउंट ऑफिस इसको ऑडिट करता है कि एक्चुअल जितना हमने दिया था उतना पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। कितनी कॉपी बनती है इसमें? एएफएल की 3 कॉपी। ये डीसी की सर? डीसी की किसी को मालूम है तो बता दीजिए, मेरे को नहीं मालूम, कहीं ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है, यदि किसी ने पढ़ा हो तो थोड़ा सा बता दे। सर ये बनाता कौन है, मतलब अकाउंट ऑफिस? एएफएल बनाता है अकाउंट ऑफिस और डीसी बनाता है फैक्ट्री, फैक्ट्री मैनेजमेंट का कैश ऑफिस, दोनों को अलग अलग एक ही साथ में लिख लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए एएफएल और दूसरी तरफ लिख लीजिए वो डीसी, तो दोनों पहले लिख लीजिए कि ये एएफएल बनाता है अकाउंट ऑफिस 3 कॉपी, डीसी फैक्ट्री मैनेजमेंट बनाता है ये, और फैक्ट्री मैनेजमेंट इसकी कॉपी भेजेगा वापस अकाउंट ऑफिस को अगले महीने की 10 तारीख के अंदर। सर इसमें कितनी कॉपियां होती हैं? डीसी की कॉपी मेरे को नहीं मालूम, कम से कम 2 या 3 कॉपी तो दो ही कॉपी होगी, क्योंकि एक कॉपी मैनेजमेंट रखेगा, एक कॉपी भेज देगा अकाउंट ऑफिस को। सर ये अटेंडेंस मास्टर रोल से होती है? हाँ, नंबर नंबर IAFO 1367 ये है, ठीक है, मास्टर रोल। देखिए इसमें आउटर का अलग फॉर्म नंबर है, इनर का अलग है, एक मिनट मैं दिखा रहा हूं, मास्टर रोल को शेयर करते हैं। अभी मैंने कहीं पढ़ा था आगे बढ़ते वक्त, सर मास्टर रोल में ही लिखा है। हाँ, आउटर का 1367 और हाँ, इनर का 1367A। हाँ, लेकिन सर ऑफिस मैनुअल में लिखा है द अकाउंट ऑफिस मेंटेन्स अटेंडेंस इन द फॉर्म ऑफ IFAFSE 74, 74A and 74B, ऑफिस मैनुअल में लिखा हुआ है, वही कंफ्यूजन था। अगर क्वेश्चन आया कि किस फॉर्म में अटेंडेंस होती है, रजिस्टर होती है, तो अभी ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, तो उन क्वेश्चन पेपर को भी अपन सॉल्व करेंगे दो चार को, क्योंकि तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि समय अपने पास में सफिशियंट रहेगा, और अभी कुछ क्वेश्चन पेपर का वीडियो बनाने का भी चल रहा है। देखिए यदि वीडियो बन जाएगा
तो उसको इस तरीके से वीडियो बनाया जाएगा कि आप ईयरफोन लगा करके ऑडियो सुनते जाइए, तो आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व होते जाएंगे और याद होते जाएंगे। सर कब तक एग्जाम हो सकता है? अभी तो एक दूसरे ग्रुप में पूछा जा रहा है कि वो कुछ मतलब कि कोई स्टे लगा रहे हैं। क्या हो रहा है सर? जो नंबर लिखा हुआ है इनर और आउटर का, यही क्वेश्चन पेपर में आए हुए है नंबर और यही लिखा हुआ लिखा जाएगा। कौन सा सर? मास्टर रोल में? मास्टर रोल में सर, एक मिनट सर, मास्टर रोल का आउटर का है 1367 और इनर का है 1367A। सर इनर का 1367A। हाँ, इसको कौन तैयार करता है? एलवी सेक्शन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। प्रत्येक महीने के लिए गैंग के अनुसार या शॉप के अनुसार तैयार किया जाता है। इसमें वर्किंग वर्कर की उपस्थिति से की स्थितियों को एब्सेंट मतलब लिखा जाता है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, लेट है, ओवर टाइम, ये सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं। सर हाँ सर, मास्टर रोल तो एलबी बनाता है। हाँ, लेकिन मास्टर रोल जाएगा अकाउंट ऑफिस। हाँ, इसके आधार पे ही अकाउंट ऑफिस पेमेंट बनाएगा, पेमेंट इश्यू करेगा। हाँ, वो है अकाउंट ऑफिस मेंटेंस अटेंडेंस इन द फॉर्म ऑफ जो अकाउंट ऑफिस, ये तो मास्टर रोल एलबी बनाएगा सर। हाँ, मास्टर रोल तो एलबी बनाता है सर। सर एक क्वेश्चन भी आया है सर। क्या आया? एक क्वेश्चन आया है सर। एक मिनट, एक का क्वेश्चन का पूरा हो जा दीजिए, एक मिनट। हाँ बोल, क्या बोल रहे हैं सर? जो अकाउंट ऑफिस, ये तो मास्टर रोल पहुंच गया अकाउंट ऑफिस। अकाउंट ऑफिस भी अटेंडेंस को मेंटेन करता होगा ना सर? ये फॉर्म नंबर है IASSC, उसके अकाउंट ऑफिस के पास में डेली कैजुअलिटी रिपोर्ट जाती है आपकी, ये लिखा है ना कैजुअलिटी रिपोर्ट, अपन ने पहले पढ़ा कैजुअलिटी रिपोर्ट, तो उनके पास में कैजुअलिटी रिपोर्ट है, उससे मिलाता है वो मास्टर रोल को। ऐसा ना हो कि कैजुअलिटी रिपोर्ट सेक्शन से कुछ आई है और मास्टर में कुछ और लिख दिया गया, तो इसलिए वो कैजुअलिटी रिपोर्ट से मास्टर रोल को मिला करके फाइनल करता है, मतलब ऑडिट करता है, उसके आधार पे ही पेमेंट बनाता है। ओके सर, ये अभी मास्टर रोल कैजुअलिटी रिपोर्ट डेली जीएम अपने अकाउंट ऑफिस के लिए मेंशन हुआ है। हाँ, कुछ ऑर्डर आया है क्या सर? अभी ये डेली भेजना है? ये तो पुराना ही ऑर्डर है कि डेली भेजना है। पहले सर कैसे हफ्ते, ये पूरा वीक का होता था, अभी शायद डेली कर देना। नहीं नहीं, वो पहले से ही डेली का है, पहले से डेली है वो, क्योंकि बड़ा इसमें एक्चुअल इसलिए डेली किया जाता है कि बड़ा इसमें गोलमाल किया जा सकता है। मान लीजिए कि आज मैं नहीं गया और कल बाबू को सेट कर लिया, तो मिला लिया, तो इसलिए डेली कैजुअलिटी रिपोर्ट जाती है, तो कैजुअलिटी रिपोर्ट को मतलब एलबी से और उधर से चेंज कराना इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए डेली वो नहीं भेजते हैं, एक एक हफ्ते में भेजते हैं आपके सेक्शन वाले, वो उनकी और एलबी और अकाउंट ऑफिस की सेटिंग है, पर नियम डेली भेजने का। सर कैजुअलिटी और एनोमली दोनों अलग अलग है या सेम है? एनोमली का मतलब हो जाता है कि मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी है, जो भी डॉक्यूमेंट बना, एनोमली का मतलब होता है गड़बड़ी, किसी भी डॉक्यूमेंट में एनोमली हो सकती है। ठीक ठीक है सर, ठीक है। तो आज की सर, हाँ बोलिए सर, सप्लीमेंट्री बिलेटेड पेमेंट में सप्लीमेंट्री क्या बता रहे थे? वो कुछ फॉर्म रह गया था, किस फॉर्म में उसको भेजते हैं बिलेटेड पेमेंट में? सप्लीमेंट्री, एक मिनट, सप्लीमेंट्री पेरोल पे,
अरे सर सप्लीमेंट्री पे रोल से बेचते हैं। हाँ ठीक है टाइम तो हो जाएगा। तो अभी आवाज आपकी क्लियर नहीं है तो अभी ये देखिए कि अपना सिलेबस ये है आप लोगों का खून बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि देखिए पहली यूनिट हो चुकी है हमारी, दूसरी यूनिट में हमारा केवल पीस वर्क वाला सेक्शन बाकी है जिसको मैं किसी एक दिन समझाऊंगा। पीस वर्क और ओटी कैलकुलेशन अभी बाकी हमारा। तो फर्स्ट यूनिट हो गई, सेकेंड यूनिट हो गई और थर्ड यूनिट आज हो गई। अब थोड़ा सा चीजें बची हैं, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स्थ यूनिट। तो आधी आधा लगभग हमारा लेबर अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो हम लेबर अकाउंटिंग भी लगभग पूरे पे पहुंच चुके हैं। फैक्ट्री अकाउंटिंग रिवीजन हो रहा है तो रिवीजन में और इससे बढ़ करके चीजें मिलेंगी क्योंकि मैं डेली अपडेट कर रहा हूँ चीजों को। कई किसी कोई सी किताब से किसी कोई किताब से अपडेट कर रहा हूँ तो आप लोग कंटिन्यू बने रहे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर। सर हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, जनरल इंजीनियरिंग का वो जो फोर्स फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मेटल हो गया, ये थोड़ा डाल दीजिए ना सर, जो डाला था पहले सर। अभी वो मेरे को मिला नहीं है, वो डाल दूंगा मैं, आप लोग बेफिक्र रहिए। हाँ सुशील जी, सुशील जी मैं देख लेता हूँ, मेरे पास रहेगा वो। ठीक है तो आप जनरल ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ आज जो मैंने वो डाली थी एक ऑफिस प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन वाली किताब, उसके पूरे भरोसे मत रहिएगा, उससे बहुत ज्यादा आगे चीजें हैं। वो दोनों कंबाइंड 2018 की थी, आज की डेट में एक एक किताब उतनी मोटी है। तो एक बेसिक चीजों के लिए आप विवेकपुरी जी हंस रहे हैं। नहीं एक चीज है सर, वो जनरल इंजीनियरिंग अगर किसी के पास अगर आरएस कुर्मी की बुक है ना तो सफिशिएंट है। आरएस कुर्मी की बुक मैकेनिकल वालों के लिए ज्यादा बेहतर की आरएस कुर्मी ने, बहुत सर 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 कुछ चीजें मेटल मेटल के ऊपर बहुत सारा दिया है, जैसे कि पूरा कितना परसेंटेज क्या रहना चाहिए, पूरा बहुत सारा सवाल है। श्रीकांत भाई, आरएस कुर्मी का जो बुक बता रहे हो ना आप, वो बिल्कुल इंजीनियरिंग लेवल का है। वो हमारा सिलेबस का 2-3 चैप्टर ही टच करता है, अदरवाइज कुछ भी टच नहीं करता। अच्छा। है क्योंकि आरएस कुर्मी मेरे पास है, जैसा मैं हो गया इंजीनियरिंग मटेरियल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी हो गया, बस तीन ही ये सब अपना सिलेबस में, अपने जो एलडीसी के सिलेबस में नहीं है, जो आरएस कुर्मी का और इंजीनियरिंग लेवल का सिलेबस है। वेलोसिटी, वेलोसिटी ये स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, ये सब कॉमन डेफिनेशंस वगैरह तो ये तो आ रही है। वो जनरल इंजीनियरिंग हो गया, सिंपल स्ट्रेसेस। दूसरा एक चीज है, हेलो सुशील जी सुनिए सुनिए सुनिए, और एक चीज है टेक्स्ट बुक साइड का एक साइड है, आप उसमें भी देख लीजिए। ठीक है, उसमें आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगे, बहुत सारे सवाल मिलेंगे, जो सवाल आपको जरूरत है लगा कि यहाँ ये सवाल मतलब कि आ सकता है, ये सवाल सही है तो आप उसको नोट कर लीजिए और बाकी जो मैथमेटिकल सवाल है उसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, कौन सा साइड, कौन सा साइड टेक्स्ट बुक? हाँ डाउनलोड करना पड़ेगा तो टेक्स्ट बुक को सर। हाँ ये एप्लीकेशन एक तो सर, कौन सा श्रीकांत जी? देखिए बहुत सारे वेबसाइट है और एप्लीकेशन एप्लीकेशंस में थोड़ा सा कम है और आप लोग अधिकतर हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम के थोड़ा सा चीजें कम है। हिंदी हिंदी तो समझ नहीं आ रहा है सर हमको थोड़ा।
तो आपके लिए वही साइट सही रहेगा, आप पढ़िए ना, गूगल में सर्च कर लीजिए, नहीं तो फेसबुक यूट्यूब में मारी है ना कि जनरल इंजीनियरिंग एमसीक्यू मार दीजिए, बहुत सारा मिल जाएगा। आप तो सर ऐसा लिख रहा है कि एप्लीकेशन तुम्हारा स्टूडेंट या पेरेंट से उसके बाद नहीं दे रहा है, सवाल पूछ रहा है खाली एप्लीकेशन वाले से। एप्लीकेशन पे मत जाइए आप लोग, सीधे एक वो क्या वेदा करके एक साइट है, एग्जाम वेदा को रेफर करिए सारी चीजों के लिए, और एक है वो स्टैनफोर्ड ये दो वेबसाइट को आप लोग पकड़ लीजिए, उसपे जो जो चीजें दी हुई हैं आप उसपे केवल लिखिए